तो हाय दोस्तों, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और लास्ट टाइम हमने जो बात किया था कि जो है एमबीबीएस या एमडी के अंदर आपको नहीं एडमिशन मिल जाएगा अगर आप फार्मेसी या आप नर्सिंग या आप फिजियोथेरेपी या आप ऑप्टोमेट्री, मतलब आप कोई भी हेल्थ साइंस कोर्स किए हैं तो आपको जो है अगर एमडी में डायरेक्ट एडमिशन चाहिए लेटरल एंट्री है ना, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो कौन कौन सी कंट्री मैंने बताई थी लास्ट टाइम, मैंने जो वीडियो बनाया था शायद वो थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाया था ऑस्ट्रेलिया के बारे में, मैं उसके लिए दोबारा से बनाऊंगा। वो होता क्या है, वो जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ वो फ्री सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर 15 मिनट तक की एक टाइम तक ही आप रिकॉर्ड कर सकते हो, उसके बाद आपको पे करना पड़ता है ना। उसके लिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में वो कर गया था, शायद अब से मैं वो सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करूँगा तो मैं डायरेक्टली ऐसा बोलूँगा तो वो शायद ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो उसमें मैंने बताया था कि ना, एक तो ऑस्ट्रेलिया में आप लोग कर सकते हैं, एक रशिया में जाके कर सकते हैं, या आप एक जो है यूएस में जाके कर सकते हैं, और एक कौन सी ऐसी कंट्री है जहां आप कर सकते हैं, यह है फिलीपींस। फिलीपींस जो है सबसे बेस्ट कंट्री में कहूँगा, सबसे सस्ती कंट्री है ये। यहाँ पर फीस बहुत ही कम होती है, यहाँ पर फीस जो है 12 से लेकर 15 लाख के बीच में होती है। और ये जो एमडी का जो कोर्स है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन का, ये 4 साल का कोर्स होता है। तो मैं आज इस कोर्स के बारे में पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए उस एडमिशन के लिए, है ना। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और इस वीडियो के लिए जो है ना, जो लोग इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं वो उनके लिए जो है ये सबटाइटल वो लोग जो है रीड कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, एक्चुअली हर एक कंट्री का अपना एक सिस्टम होता है मेडिकल एजुकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का सिस्टम क्या है कि आपने अगर 12th किया है साइंस में, उसके बाद जो है आपको 6 साल का जो है MBBS करना है ना, या आपको BDS करना है वो भी 5-6 साल का है, या आपको कोई आपको आयुष करना है ना, या आपको फार्मेसी करनी है, तो ना ये एक सिस्टम है वहाँ का। मगर कुछ कंट्री का सिस्टम क्या होता है, वहाँ क्या होता है, पहले आपको बैचलर डिग्री करनी है हेल्थ साइंस में, या आप साइंस में हेल्थ मतलब डिग्री करेंगे पहले जो है एक, उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा एमडी के लिए। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के लिए सेम कंडीशंस हैं, इसके लिए मैं अगले वीडियो में दोबारा से बताऊंगा। मगर आज हम बात करते हैं फिलीपींस की। तो फिलीपींस सबसे अच्छा क्यों है इंडियंस के लिए, तो एक तो ये यहाँ पर सिर्फ 4 साल का कोर्स है ये, है ना। तो आप लोगों के लिए जो है आपको जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में आपको करना है। वैसे भी जो एमडी होता है इंडिया में वो भी एमबीबीएस के बाद 3 साल का होता है, जैसे कि एमडी या एमएस 3 साल का होता है इंडिया के अंदर। मगर ये जो है लेटरल एंट्री अगर आप जाएंगे तो आपको सिर्फ 4 साल का ही ये जो है एमडी करना पड़ेगा। तो नॉर्मली होता क्या है, अगर आप 12th के बाद जाते हैं फिलीपींस के अंदर, तो वहाँ पर जो है आपके लिए जो है पहले जो है बीएस कोर्स करना पड़ेगा, ये जो है 2 से 3 साल का होगा, मोस्टली 2 से 2.5 साल या तीन साल का बीएससी मान लीजिए आप, इसको बैचलर ऑफ साइंस बोलते हैं, 3 साल में आप वो करेंगे, उसके बाद फिर जो है 4 साल का फिर आप जो है ये करेंगे। तो टोटल जो ड्यूरेशन होती है 12th के बाद ये होती है 6 से लेकर 7 साल, है ना। मगर अगर आप लेटरल एंट्री एडमिशन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी किया है, बैचलर ऑफ नर्सिंग किया है, या आपने फार्मडी किया है, ऑप्टोमेट्री किया है, फिजियोथेरेपी किया है, मतलब आपने ऐसे कोर्सेज किए हैं जिसमें आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी हुई थी, या आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी हुई थी, या आपने जो है मतलब बायोकेमिस्ट्री है ना, इस तरह के अगर आपने कोर्स पढ़े थे आपके जो बैचलर डिग्री में, तो आपको लेटरल एंट्री एडमिशन मिल सकता है इसमें, इस कोर्सेज में। तो इसमें होता क्या है, जो लोग 12th के बाद जाएंगे वो बीएस करेंगे पहले, उसके बाद एडमिशन लेंगे, मगर बीएस के बाद एक एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, उस एग्ज़ाम का नाम है NMAT एग्ज़ाम। तो NMAT ये जो है ना उनके, जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, हम लोग के यहाँ पहले जो है PMT होता था है ना, और अभी जो है नीट कर दिया गया है, तो ऐसे ही ये जो उनका एक नेशनल का उनका जो है पूरे फिलीपींस का एक टेस्ट है NMAT एग्ज़ाम, ये आपको पास करना पड़ेगा पहले। तो इस एग्ज़ाम में क्या है, सबको एडमिशन नहीं मिलता है ना, तो बहुत सारे जो इंडिया में जो एजेंट बैठे हुए हैं वो बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए मेरा ये मेन मकसद था ये वीडियो को बनाने का। तो इसमें क्या करना है, आपको NMAT एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उस एग्ज़ाम में आपको 40% मतलब परसेंटाइल आपको लेके आना है मिनिमम, जो अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो। मगर होता क्या है, नॉर्मली वहाँ पर भी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि BSc वहाँ पर लोग जनरली कर लेते हैं, और फिर एडमिशन मेडिकल में उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका NMAT में हाई स्कोर होता है और जिनका बैचलर डिग्री में हाई स्कोर होता है ना। तो सेम बात आप पे भी एप्लीकेबल होती है अगर आप ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कोर्स किया है इंडिया से, अब आप लेटरल एंट्री एडमिशन लेने वहाँ पर जाते हैं, तो आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आपको डायरेक्टली वो मिल जाएगा। मैं आपको ये
36 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये एमडी ऑफर कर रही हैं वहाँ पर। मैं आपको नाम भी बता देता हूँ और ये सारे जो नाम्स हैं मैं जो है लास्ट में जो है मतलब अटैच करने वाला हूँ इस वीडियो के लास्ट में। तो आप लोग वन बाई वन आप लोग क्या करना है, आप लोग को वन बाई वन आप इस यूनिवर्सिटी में जाना है और सारी वेबसाइट इंग्लिश में दी हुई है ना, तो ये आपको एडवांटेज है। तो आप वहाँ पर ईमेल ले लीजिए और आप उनको ईमेल कीजिए ना, आप अपना बताइए केस के सर मैंने ये बैचलर डिग्री किया था 4 साल में और मेरा इतना परसेंटेज था और मैं आपके यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो क्या प्रोसेस है ना। तो आप लोग ऐसा आप लोग खुद से कीजिए ना, कोई आपको ऐसे एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट एजेंट के चक्कर में आप ना पढ़ना। मैं तो ये कहूँगा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से आप कॉन्टैक्ट करें, है ना। तो मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता रहा हूँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पर जो है ये ऑफ़र कर रही हैं। एक है लिसियम नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न फिलीपींस है ये, और एक है वर्जिन। आई मीन मैं ये सारे नाम जो है ना आपको लास्ट में देता हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है, क्योंकि 36 यूनिवर्सिटीज ये लोग ऑफर करते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, इन यूनिवर्सिटीज को आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए वन बाई वन और उनसे पूछिए क्या प्रोसेस है और क्या होता है। और एक और बात, आप फिलीपींस बहुत ही सस्ती कंट्री है, इंडिया से अगर आप जाएंगे फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली से या आप चेन्नई से हैदराबाद से जाएंगे तो आप वहाँ पर आना जाना आपको वहाँ पर रहना शायद एक हफ्ता आप घूम भी आइए तो आपको ये सारे प्रोसेस में जो आपको 40-50 हज़ार ही लगेंगे, है ना। तो अगर आप एडमिशन ढूंढ रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग वीज़ा लीजिए और घूमने चले जाइए वहाँ पर। पहले तो आप यूनिवर्सिटी से आप सिलेक्ट कीजिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, वहाँ कहाँ पर आप जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनसे आप बात कीजिए ईमेल के थ्रू और फिर आप डायरेक्टली एक टूरिस्ट वीज़ा लेके आप डायरेक्टली वहाँ पर चले जाइए, है ना। क्योंकि ये NMAT जो टेस्ट है आपको वहीं जाकर देना पड़ेगा, इसके जो सेंटर है वो आपको फिलीपींस में ही जाकर देना पड़ेगा या फिर आपको US में जाना पड़ेगा, है ना। तो ये तो US तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, जो इंडियन है पाकिस्तानी है तो हमारे लिए पॉसिबल किया है कि हमको जो वहीं जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, या तो आप जो है एक टूरिस्ट वीज़ा पर जाएंगे और फिर आप वो एग्ज़ाम लिखेंगे और एग्ज़ाम पास हो जाएंगे तो फिर जो है आपका ये जो है एडमिशन आपको मिल जाएगा। तो मेरा कहना ये है आप किसी एजेंट की जहाँ ज़रूरत नहीं है, है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कोई एजेंट हो तो आप पूछ भी सकते हैं उन लोगों से, एजेंट बहुत पैसा बीच में खा जाते हैं और बहुत धोखा करते हैं इंडियंस के साथ में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक वेबसाइट है हमारी अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मतलब जो हमारा जो एम्बेसी है एम्बेसी ऑफ इंडिया मनीला फिलीपींस, तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ दिए हुए हैं, है ना। क्योंकि उनके पास जो कंप्लेंस आती रहती हैं कि बच्चों की के वहाँ पर जो उन लोगों को परेशान किया जा रहा है, पैसे ले लिए गए हैं, है ना। कोई 50 लाख ले रहा है, कोई 40 लाख 30 लाख, है ना। तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये फीस जो है इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके हम देखेंगे तो 12-15 लाख ही होती है ना, और है ना। तो आप लोग खुद से देख लीजिए आपको ये क्या करना है, मैंने आपको बता दिया आपको NMAT एक एग्ज़ाम पास करना है, उसमें भी मिनिमम आपको 40% लेकर आना, 40 है ना। एग्ज़ाम थोड़ा टफ होगा, टफ इन द सेंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, आप लोग तो वैसे ही फार्मेसी या आप नर्सिंग किए हुए हैं या फिजियोथेरेपी किए हुए हैं ना, तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। पर थोड़ा सा क्या है, आप लोग थोड़ा सा जो है ना 12th वाली जो बायोलॉजी टाइप की थी वो लोग भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम के बारे में मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो आप लोग खुद से देखिए, मतलब आपका ही अपना काम है कि जब आप जॉब मतलब आप एडमिशन ढूंढ रहे हैं तो आप खुद से मेहनत कीजिए, है ना। तो मेरा इतना काम था जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ही डिस्कस करूँगा यहाँ पर। फिर क्या होता है, वहाँ पर आपको एक साल की इंटर्नशिप भी करनी होती है और वो इंटर्नशिप के करने के बाद जब आप इंडिया आएंगे तो फिर आपको जो है आपको MCI का स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा। MCI तो अभी ख़त्म हो गई है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ख़त्म कर दी गई है, अब NMC आ गया है नेशनल मेडिकल कमीशन, तो वो लोग एग्ज़ाम लिया करेंगे और उसके बाद ही आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिया के अंदर। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन ये होगा, अगर हम पास नहीं कर पाए तो क्या होगा, है ना। वैसे नॉर्मली क्या देखा गया है कि यहाँ से जो फिलीपींस से जो लोग पढ़ के आ रहे हैं वो लोग पास कर लेते हैं, मतलब वहाँ का जो स्टैंडर्ड है एक अच्छा स्टैंडर्ड है ना। इज नॉट लाइक चाइना से थोड़ा सा लोग प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर शायद लोग पास नहीं कर पाते, यहाँ पर लोग अच्छे से शायद पढ़ाई होती है ना। या फिर हम बोल सकते हैं अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप फिर कोई दूसरा कोर्स कीजिए, है ना। मतलब ये तो आपको ही है ना, क्योंकि वो अभी NMC ने कहा था शायद वो एक साल में 2 बार एग्ज़ाम लिया करेंगे, तो एक बार आप नहीं पढ़ पाए अगली बार कर लेंगे, है ना। और कुछ कुछ कोचिंग्स भी होती हैं इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है चाइना से करके आते हैं, रशिया से करके आते हैं ना, फिलीपींस से करके आते हैं, सारी कंट्रीज़ में यही एक प्रॉब्लम है। मगर अब कुछ एग्जम्पशंस देती है NMC, मतलब
जैसे अगर आप यूएस से करके आते तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, मगर यूएस में क्या है ना, अगर आप फार्मासिस्ट होंगे रजिस्टर्ड तभी आप वहाँ पर एमडी कर सकते हैं ना, वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, आप फार्मासिस्ट ही नहीं बन पाएंगे। अगर बन गए तो लाइफ खुद ही बन जाएगी, तो आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, है ना। तो वहाँ पर बहुत ही ऐसे रेयर केस होते हैं कोई फार्मडी के बाद कोई वहाँ पर जो है एमडी करता है ना, तो क्योंकि वहाँ तो अच्छी खासी इतनी नंबर वन कंट्री है जो है पूरी दुनिया में जॉब के लिहाज से, तो वहाँ कोई ऐसा वो चक्कर है ही नहीं। हमारे यहाँ पर ही चक्कर है यार, जॉब मिल नहीं रही है और फिर जो है हम लोग दूसरे ऑप्शंस को ढूंढ रहे हैं, क्या जो है ना दूसरे ऑप्शंस जो हैं क्या हो सकते हैं हमारे लिए। तो आप डायरेक्टली कॉलेज से कॉन्टेक्ट करें और आप उनसे पूछें कि आपको एडमिशन चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको ये 36 यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैं आपको लास्ट में दिए हुए। और एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पर एक CHED इनकी ये होती है, इनकी ये CHED ये जो है ना फिलीपींस की हायर एजुकेशन की जो है ना जो देख रेख करती है, यही लोग अप्रूवल देते हैं। बहुत सारे कॉलेज को अप्रूवल नहीं है और ये इंडियन जो एजेंट हैं वहाँ पर एडमिशन करा देते हैं धोखे से, फिर आप लोग फंस जाएंगे ना। तो अगर वो अप्रूव नहीं होगा तो फिर आपको इंडिया में भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो ये लोग जो है जो मैंने जो नाम बता रहा हूँ ये आपको मैं 36 ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर दिए हुए हैं, ये लोग अप्रूव्ड नेम्स हैं ना, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और इन्हीं में ही आप एडमिशन लें। इनके अलावा अगर आप किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आप लोग CHED की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं कि आपका कॉलेज उस लिस्ट में है या नहीं, है ना। अगर है तभी आप जाइएगा, वरना आप मत जाना। एक और फेसबुक पे इनका जो है इंडियंस इन फिलीपींस करके एक पेज है, ये भी जो है हमारी जो काउंसिल है मतलब जो हमारी एम्बेसी है वहाँ फिलीपींस में, उनका पेज है। तो वहाँ पर भी आप लोग अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो अपना कोई आप वहाँ पर हमसे पूछ भी सकते हैं, है ना। कोई अगर प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है आपको, तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग पहले तो कॉलेज से बात कर लें, 2-4 कॉलेज से, और आप इंडिया से जो है एक विजिटिंग वीज़ा लेके चले जाएं। आप लोग वहाँ घूम भी आएंगे, ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं होंगे आपके, कि 40,000 में आप घूम घाम के 50,000 तक में आप जो आ भी जाएंगे और आप घूम भी लेंगे वहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब अगली वीडियो में मैं दूसरी कंट्री के बारे में बताऊंगा कि वहाँ पर आप लोग जो है MD आप लोग कैसे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।